गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं साइंस के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है एक तरह से केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या था? केमिकल चेंज में था केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज था और केमिकल कंपोजिशन में चेंज था। तो वही है केमिकल रिएक्शन। ड्यू टू केमिकल चेंज केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जो नया सब्सटेंस बनता है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और इसे लिखा क्या जाता है? एज ए लैंग्वेज फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कल अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? लकड़ी, सॉरी बर्निंग ऑफ वुड। वुड क्या होता है? एक तरह से कोल। कार्बन होता है वुड में, तो ये कार्बन जलेगा किसकी प्रेजेंट में? ऑक्सीजन की। तो कार्बन सॉरी वुड, वुड में होता कार्बन जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में प्लस ऑक्सीजन जल के क्या देता है अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड। पर अगर आप लिखना चाहो तो एस लिख देना, राख बच जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक सिंबल होते हैं, जैसे कार्बन का सिंबल होता है सी। इसको केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में लिख देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। कार्बन को लिख दिया सी, ऑक्सीजन को लिख दिया ओ टू और कार्बन डाइऑक्साइड को लिख दिया सीओ टू। तो जो ये सी है, ओ टू है और सीओ टू है, ये क्या बन गया? इस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन गया और इसको अपन क्या बोल देंगे? केमिकल इक्वेशन। बात हो गई अपनी सी प्लस ओ टू सीओ टू। अब अपन बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में। लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स को अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? जो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जिनके पार्टिसिपेट करने से जो नया बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ आपने जो बना है CO2, ये क्या है? प्रोडक्ट। तो हमेशा केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वालों को बोलेंगे रिएक्टेंट, चाहे एक हो दो हो या मोर देन टू हो। और राइट हैंड साइड में भी वही सिंगल हो या डबल हो या मोर देन टू हो, वो क्या होंगे? रिएक्टेंट्स। अब इसी में अपन बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में लेफ्ट हैंड और साइड सॉरी राइट हैंड साइड के जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके मास के बारे में। पहले अपन लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। इन केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इट मींस मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मेरा कहने का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा, यहाँ बात कर लेते हैं छोटी सी एक बार देख लेना, बाद में बड़ा एग्जांपल आप तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड वाला नीचे समझा दूंगा। सी प्लस ओ टू, सी इन दोनों का मास जितना होगा रिएक्टेंट ही है, उतना का उतना मास क्या होगा? प्रोडक्ट का होगा। मतलब नया मास ना तो अपन अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं और ना नया मास कम कर सकते हैं जो बना उससे। बात कर लेते हैं इसकी, पहले रिएक्टेंट के मास की। कार्बन का मास कितना होता है? 9 पे बड़ा था 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ऑक्सीजन है कितने? 2 × 2। एरो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, कार्बन का मास 12 12, ऑक्सीजन का मास 16 × ऑक्सीजन है कितनी? 2। 12 प्लस 16 × 2 = 32। एरो 12 प्लस 16 × 2 = 32 कितना हो गया? 42 and 42। है मास इक्वल। इसका मतलब केमिकल इक्वेशन हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा कितना रहेगा? इक्वल रहेगा। ना ही नया मास ऐड होगा अपनी तरफ से और ना ही नया मास डिस्ट्रॉय होगा। इस रूल को अपन क्या बोलते हैं? रूल ऑफ मास कंजर्वेशन। अब अपन नया एग्जांपल एक्सप्लेन कर देते हैं। बात हो गई अपने इसकी 44 वाले की। 12 कार्बन का था, 16 ऑक्सीजन का था, इंटू 2 कर दिया, 12 प्लस 32 44,
वैसे उधर हो गया 12 कार्बन का, दो ऑक्सीजन थे 32, 44 हो गए। अब अपन एक बड़े एग्जांपल की बात कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर आगे मिलके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम में वाटर मिलाया, ये बन गया अपने स्लैग लाइम। बात कर लेते हैं रिएक्टेंट साइड की, मास ऑफ रिएक्टेंट कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है मास 40, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितने है 2, हाइड्रोजन इंटू 2, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 इंटू 2, 2, फिर रह गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 40, 16, 2 और 16 का एड किया कितना आ गया 72। इधर बात कर लेते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में क्या है कैल्शियम, कैल्शियम का कितना आ गया 40, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अपने पास दो दो है, तो ऑक्सीजन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी और हाइड्रोजन में भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ऑक्सीजन 16 इंटू 2, हाइड्रोजन 1 इंटू 2, 40, 32 और 2 को ऐड किया कितना आ गया 72, रिएक्टेंट का 72, प्रोडक्ट का 73, दोनों साइड का 72 आया है, इसका मतलब यहाँ भी मास अपने पास 74, सॉरी मास कितना है आपके पास 74, रिएक्टेंट का भी 74 और प्रोडक्ट का भी 74, तो दोनों साइड मास कितना है इक्वल, इसका मतलब यहाँ भी मास इक्वल है, पहले भी मास इक्वल था, हमेशा अपने पास मास क्या रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल रहेगा, यही क्या है रूल ऑफ मास कंजर्वेशन। आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख लेना, बुक में आपके बहुत सारे एग्जांपल होंगे और मास आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। कल बात करेंगे अपन बैलेंसिंग ऑफ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। थैंक यू।